ये बातें शहंशाह को जेब नहीं देती। यूं मामूली आदमी की तरह बाजारों में घूमना फिरना, हम इस कैद की जिंदगी से आज जा चुके हैं। ताज तब की जिम्मेदारी को आप कैद समझते हैं अली जा? ताज तब कैद बंद का कितना अच्छा नाम रख छोड़ा है तुम लोगों ने। दिल की धड़कने कानून की पाबंद, आंखें दुनिया की हसीन तरीन बहारों से महरूम, यही जिंदगी है हमारी। दुनिया की तमाम बहारें हाथ बांधे खड़ी हैं और फिर भी महरूमने की शिकायत। बाहरों के अगर हाथ बांध लिए गए तो वो खिजा में तब्दील हो जाती है। खरीजा हमें तुम्हारी राय से इत्तेफाक नहीं, जो हम अपनी राय को दरबार के बाहर भी देखना चाहते हैं जहां वो सर उठाकर चलती है। सुभान अल्लाह, आओ देखें वहां क्या हो रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, जवाब नहीं। हम तो हसन जैसे दोस्त जान तक कुर्बान कर सकते हैं। ये गूंगा नाच कुछ हमें तो पसंद नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात कही है। हसन इस लूज लड़के को जबान दे दो ना। क्यों हुक्म दोस्तों का। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलशिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलशिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। ये खुले खुले से गेसू उठ जैसे बदलियां से, ये झुकी झुकी निगाहें गिरे जैसे बिजलियां से,
तेरे नाचते कदम में है बहार का खजाना है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना झूमना मचलना ये नजर बदल बदल के मेरा दिल धड़क रहा है तू लचक संभल संभल के कहीं रुक न जाए जालिम इसी मोड़ पर जमाना है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना आज तो कमाल ही कर दिया तुम्हारे बेटे ने ऐसे ऐसे शेर सुनाए कि लोगों के होश आवाज गायब कर दिए जरा इस नानबाई को भी कुछ शेर सुना दो शायद ये भी चला जाए अपने पैसों के लिए कब से मेरी जान को रो रहा है सारा मजा किरकिरा कर दिया अम्मी जान जल्दी से रुख्सत कीजिए इस मनहूस को मेरे पास टूटी कौड़ी भी नहीं मैंने तो एक कारून का खजाना दबा के रखा है घर में जो कुछ था दिन रात की रंग रलियों में उड़ा दिया अब तो पैसे पैसे की मोहताजी है कल से यारों की जगह फाके मंडलाएंगे तेरे दफ्तर खान पर अम्मी जान परेशान क्यों होती हैं आखिर ये दोस्त किस दिन काम लाएंगे मैं अभी लाता हूँ तेरे दोस्त उनके लेने के हजार हाथ हैं देने का एक हाथ नहीं अम्मी जान मेरे दोस्तों के बारे में ऐसा ना कहिए वो पैसा तो पैसा मुझ पर जान तक कुर्बान कर दे मैं अभी लाता हूँ आप देखिए चलो चलो हाँ चलो क्या मुझे ठहरो भाई ठहरो साहब सुन चुके दोस्तों से दावती कीमत लेने आए शर्म नहीं आती मेहमानों का क्या हाथ फैलाते हुए भाई तुम मेरे दोस्त हो के ऐसी बातें कर रहे हो बाज आए तुम्हारी दोस्ती से एहसान भी लो पैसे भी दो इससे सस्ती दावत तो हम बाजार में खा सकते अब कनीज को भी इजाजत दीजिए मेरे इशारों पर नाचने वाली तूने भी जबान खोली घर में फूटी कौड़ी नहीं और मिजाज मियां हमारा इनाम दो और सलाम लो इनाम ये रेशमी जोड़ा सर से पांव तक सोने चांदी के जेवरात ये गले में हीरो का हार ये सब किसके बदौलत है निकल जाओ यहाँ से यहाँ खाली हाथ तो नहीं जाएंगे क्या कर रहे होगे खबरदार लो अपना इनाम खबरदार जो कभी इस घर का रुख भी किया मैं तौबा करता हूँ तौबा करता हूँ अब मैं कभी किसी दोस्त पर एतबार नहीं करूँगा नहीं नहीं बेटा क्या कर रहे हो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी आंखें तो खुली आराम के थे साथी क्या क्या जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं सब दोस्त हैं अपने मतलब के दुनिया में किसी का कोई नहीं कौन हो भाई मुसाफिर है भाई परेशान और भूखे आओ ना ठहरो नहीं मैंने अभी अम्मी जान से वादा किया है
कसम खाई है कि किसी दोस्त पर एतबार नहीं करता। मगर हम तो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, मुसाफिर और अजनबी हैं, तुम्हारा नाम सुनकर चले आए। ये बात है, मगर नहीं नहीं नहीं, नहीं। जाओ। तो हम चले जाएं हसन? जाओ। अच्छी बात है, चलो भाई, आज की रात भूखे ही रह लेंगे। ठहरो, आज तक हसन के घर से कोई नामुराद नहीं गया, और फिर तुम मेरे दोस्त तो हो नहीं, फिर मेरी कसम भी नहीं टूटती। तो जो कुछ है, अच्छा ठहरो, मैं अभी तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ, बैठो, अभी आ। नब्बू, नब्बू। जी मियाँ जी, कुछ खाने को है? खाना? खाने को तो कुछ भी नहीं। एक अम्मा जान को ना मालूम होने पर इसे गिरवी रख के और कुछ लिया। जी मियाँ जी, बिस्मिल्लाह जी। माशाल्लाह, खाना बहुत ही लजीज। बिस्मिल्लाह कीजिए, खाइए ना। उसमें थाई कितना, मैं अभी और लाया। जी हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नब्बू, मिया जी, चला जा जल्दी जा। सुभान अल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात, क्या मिया, आप क्या कर रहे हैं मिया? या खुदा, तू ही इज्जत बचाने वाला है। लाइए लाइए। देखिए तो मेरी आंखें क्या पड़ गया। अरे खुलिए, आप खुलिए, आप खुलिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, आइए। उफ़, यकीन मानिए कि बड़े जोर की भूख लग रही है। अल्लाह का बड़ी नवाजिश होगी जी। घर से कोई भूखा नहीं गया, अब क्या होगा नब्बू? मियाँ जी, ये आदमी है कि जिन्नात? अरे जो भी हो, मगर मेरे मेहमान तो हैं। अच्छे मेहमान हैं। तो क्या आप अपनी बोटियां काट कर खिलाइएगा? हाँ, मैं उन्हें अपनी बोटियां ही खिलाऊंगा। मियाँ जी, ये आप क्या कर रहे हैं? होगा नब्बू, अगर तू नहीं दे सकता तो आंखें बंद कर दे। हमने हातिम के किस्से जरूर सुने थे, मगर आज तुम्हारी सखावत को अपनी आंखों से देख लिया हसन। लानत है उन लोगों के ऊपर जो तुम जैसे दोस्त की कदर नहीं करते। आज जिंदगी में ये पहला मौका है कि हसन के दस्तरखान पर मेहमान भूखा रह गया। हम भूखे नहीं रहे हसन, और तुम्हें तमाशा दिखाए, चलो। मंसूर जी। एक मुफलिस से ऐसा मजाक जेब नहीं देता। तुम मुफलिस नहीं हो हसन, तुम्हारा दिल तो शहंशाहों से बड़ा है। अरे खाली खुली दिल से क्या होता है भाई मेरे, अगर हम शहंशाह होते तो बताते। ठीक। अच्छा, अगर तुम शहंशाह होते तो क्या करते? अरे छोड़ो ये सब शेख चिल्लियों की सी बातें, ना यहाँ शहंशाह हो सकते हैं और ना। अरे भाई आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, हम तो देख रहे हैं। खा ही तो रहा हूँ, कहाँ देख रहा हूँ। ये नमस्कार जी। लीजिए। शुक्रिया जी।
अगर हम शहंशाह होते तो सारी दुनिया को एक बहुत बड़ी दावत देते देते मंसूर जी 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 हाँ भाई, आज के दिन हमारा ये मेहमान तुम लोगों का शहंशाह है। इसका हर हुक्म हर इशारा उसी तरह से पूरा किया जाए जिस तरह से कि हमारे हुक्म की तामील होती है। जापना मुस्ताफी माफ गुलाम को यह खदशा है कि आली जात की यह नई नई तफरीहें कहीं सल्तनत को किसी मुसीबत से दोचार न कर दे। सल्तनत की भलाई का ख्याल शाह को वजीर से ज्यादा है। हम देखना चाहते हैं कि शाहों का दिल रखने वाला शाही दिमाग भी रखता है या नहीं। पारा हम इसको तुम्हारे सपोर्ट करते हैं। जी शहंशाह। कदम बोसी को हाजिर है। नसीम सहर बारियाबी की इजाजत चाहती है। जहां बना जरूर ये जन्नत है। मालूम होता है हम अल्लाह को प्यारे हो चुके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे। दरबार में आपका इंतजार हो रहा। जहां बना दरबार जहां पना कौन जहां पना जहां पना आप मजाक फरमा रहे हैं। इस मुल्क में आपके अलावा और कौन है शहंशाह? यानी तुम्हारा मतलब यह है कि हम शहंशाह और तुम हमारी मलिका? आपकी कनीज पारा। फिर कहो एक मतलब आपकी कनीज। हाय परवरदिगार ये ख्वाब मैं हमेशा देखता रहूं। सुबह को इसकी ताबीर अम्मा जान से लूंगा। वो ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी देती है। हाँ ये ख्वाब नहीं शहंशाह। ख्वाब नहीं तो फिर क्या है? अच्छा लो तो मेरी उंगली में काटो। तो काटो। ये मैं गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? हम तुम्हें इस गुस्ताखी का हुक्म दे रहे हैं। काटो काटो काटती है तो वाकई हम जाग रहे हैं। मगर हम ये शहंशाह कब बन गए? ये ख्वाब मैं पार फूलों में तोलो कलियों में तोलो। हमें कितने याद फरमाया मंसूर ने। आए क्या है क्या तुम इतना सा फूल सुंगा करती हो? तुम तो कोई अच्छा बड़ा सा गोभी का फूल सुंगा करो। हाँ चुप रहा मरियल टिड्डे। देखो पिकड़ी की बात नहीं, तुमने आज सुना है कि आज शहंशाह ने उस बंदर को तख्त पे बिठा दिया है। वो तो हमें मालूम है। कोई नई बात सुनाओ। बादशाह को तो रोज नई नई सूझती है। अदब मुलाहिजा होशियार बाज शहंशाह आलम दिल सुभानी आतम सानी अब्दुल हसन शहंशाह जुल्मनन तख्त शाही पर जलवा रोज होने तशरीफ ला रहे हैं। आपकी सलामती की तोपें दागी जा रही है। बंद करा दो। तुम्हें मालूम है कि मां बदौलत को धमाकों से इख्तलाज होने लगता है। जहां पना की शान में गुलाम ने कसीदा किया है। इजाजत हो तो गोश गुजार करूं। हाँ इजाजत है। तू निगारे तू निगारे सल्तनत है। तू निगारे सल्तनत है ऐ शहंशाह जमा। तेरी दहशत तेरी दहशत से लरफते तेरी
محشر سے لرستے ہوئے زمین و آسمان. خیر نہ میاں شاعر، یہ شعر تم ہماری شان میں عرض کر رہے ہو نا؟ جی ہاں جہاں پناہ. اچھا آگے بڑھو. تو چمن تو چمن تو چمن اندر چمن تو چمن اندر چمن اندر چمن اندر چمن تو چمن اندر چمن اندر چمن اندر چمن اور تیرے قدموں تیرے قدموں پر تصدق تیرے قدموں پر تصدق ہے بہارے گلستاں. یعنی چمن اندر چمن اندر چمن اندر چمن، گویا کہ ایک ڈبیا اس کے اندر پھر ڈبیا اور اس کے اندر پھر ڈبیا اور پھر ڈبیا اور اس ڈبیا کے اندر ہم. بکواس ہے یہ سب. نہ تو ہم نگار سلطنت ہیں اور نہ شہنشاہ زماں، یہ بہتان ہے ہم پر. اور یہ بھی سراسر جھوٹ ہے کہ ہماری دہشت سے زمین اور آسمان کانپتے ہیں. میاں شاعر، زمین اور آسمان تو بڑی چیز، ہم سے تو مکھی اور مچھر بھی نہیں ڈرتے، پھر یہ زمین و آسمان کیسے کانپیں گے؟ ہم تو نہایت بیوقوف اور نکمے شخص ہیں. ہم درست فرما رہے ہیں؟ جی عالم پناہ. جی عالم پناہ. کیوں میاں شاعر، یہ جھوٹے کی کیا سزا ہے؟ جھوٹے پہ گردن کاٹ دینا چاہیے. شاباش وزیر اعلیٰ. عالم پناہ بلاؤ گردن کو اور اڑا دو جلاد کو. عالم پناہ بہت احمق ہو، یعنی سمجھتے نہیں. جلاد کو بلاؤ اور اس جھوٹے کی گردن اڑا دو. جلاد عالم پناہ. عالم پناہ چھوڑ دیجیے، ہم تو مذاق بنوا رہے تھے. دیکھو میاں شاعر، ہم جیسے بیوقوف بادشاہوں کی جھوٹی تعریف سے تو بہتر یہ ہے کہ تم گھاس کھودنا شروع کر دو. حضور والا، چند ضروری مقدمات درپیش ہے، اگر اجازت ہو تو. مقدمات؟ ماں بدولت کو مقدمات سے سخت تشویش ہوتی ہے. ہمارا حکم ہے کہ آج سارے مقدمات خارج کر دی جائیں. اور دیکھو، مجرموں سے کہہ دیا جائے کہ آئندہ سے اگر جرم کیا تو بہت ہی برا ہوگا. جو حکم شاہی. ہاں ہمارا حکم ہے آج مقدمات میں پھنسنے کے بجائے کچھ شعر و شاعری کر دی جائے. کیا رائے ہے دوستوں کی؟ جو حکم شاہی. آپ کو کچھ تکلیف ہے؟ نہیں حضور والا. خیر کوئی بات نہیں، ماں بدولت خود چند شعر ارشاد فرمانا چاہتے ہیں. اجازت ہے؟ ارشاد حضور والا. شکریہ. سنیے، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. دنیا میں بادشاہ ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور مفلس و گدا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. زردار و بے نوا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور نعمت جو کھا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی، اور ٹکڑے چبا رہا ہے سو ہے وہ بھی آدمی. آئی، میں نے کوئی تعریف ہی نہیں کرتا، سب کو صاف سن گیا کیا؟ ارے بھائی شعر پسند ہو تو تعریف کیجیے آپ لوگ. دیکھی دربار کی شان. جی ہاں عالم پناہ. ارے بھائی آپ لوگ اتنی دور کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ اور قریب آ جائیے. آئیے نا، اور قریب آئیے، اور تم دونوں بھی آ جاؤ. اے بلم وہیں پھٹ جاؤ. بلم کیوں لا رہے ہو جی؟ آئیے. عرض کیا ہے، غور سے سنیے گا. یا آدمی ہی لال و جواہر ہے بے بہا، یا آدمی ہی لال و جواہر ہے بے بہا، اور آدمی ہی خاک سے بدتر ہے ہو گیا. اور آدمی ہی خاک سے بدتر ہے ہو گیا، کالا بھی آدمی ہے کہ الٹا ہے جو توا. کالا بھی آدمی ہے کہ الٹا ہے جو توا، اور گورا بھی آدمی ہے کہ ٹکڑا ہے چاند کا. بد شکل بدنما ہے سو ہے.
अली जान, अगर जान की अमान पाऊं तो कर्ज करूं? फरमाइए फरमाइए, इसमें तकल्लुफ ही क्या जरूरत है? ये तमाशे तो होते रहेंगे हजूर वाला, अगर शादी के बारे में कोई फैसला फरमावे तो। देखिए वजीर आला, हम इस किस्म की अहमकाना शादी का कायल नहीं, शादी हम अपनी पसंद से करेंगे। मगर आलिजा, मुल्क की बेहतरी, हमारी जाती जिंदगी से मुल्क के हालात पर क्या असर पड़ सकता है? किस कदर अजीब बात है वजीर आला, महल के कालीन आप हमारी पसंद से मंगवाते हैं, गुलामों का इंतखाब हमारी मर्जी से होता है, गरज के हमारी मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता। बेशक आलिजा, लेकिन मसलहत का तकाजा है। मगर हमारे दिल का तकाजा है कि जिंदगी के हम सफर का इंतखाब देखभाल कर किया जाए। शहजादी लाला रुख तशरीफ ला रही हैं सर आंखों पे, लेकिन अगर वो हमको पसंद ना बना तो ये शादी नहीं होगी। आलिजा, ये हमारा आखिरी फैसला है। इस महल का बेशबहा हीरा तुम हो पारा तुम। इज्जत अफजाई का शुक्रिया जहां बना। अब बैठो, ये मैं गुस्ताखी कैसे कर सकती हूं? एक बात बताओ जी, पारा पारा कहिए, तुम कनीज बनना पसंद करोगी या मलिका? आपकी कनीज दूसरों की मलिका। शाबाश। जहां पना, अबुल हसन के बारे में क्या हुक्म है? मंसूर जी, हमारे दोस्त को जिस तरह से लाए थे उसी तरह से वापस कर दिया जाए। अबुल हसन, ए अबुल हसन, उठो बेटा, देखो कितना दिल चढ़ाया है। हम उस वक्त तक बेदार नहीं होंगे जब तक तुम तो वही नगमा नहीं खेलोगी जो हमें जगाने के लिए खेला करती थी। तकल्लुफ न करो जाने मन, साज उठाओ और हमारे दिल के तारों को जगा दो। किधर हो जाने मन, इधर आओ। ये क्या बक रहा है बदमसी? बक नहीं रहा है, हम इरशाद फरमा रहे हैं। तुम फरमाने के बच्चे? तू कौन है मक्कार बुढ़िया? मैं कौन हूं? मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरी माँ हूँ बेटा, माँ। खबरदार, शहनशाह वक्त से इतनी बेतकल्लुफी। कहाँ है वजीर आला? जी मियाँ। जन्नात को बुलाओ और इसकी कत्ल उड़ा दो। जी जी मियाँ, कत्ल उड़ा दो इसकी। ये तुझे क्या हो गया है बेटा? मालूम होता है मियाँ का दिमाग चल गया है। तू कौन है बदतमीज? इसकी भी कत्ल उड़ा दो। मैं आपका नप्पू हूँ मियाँ। नप्पू? हाँ। कौन नप्पू? अरे अरे, ये तुझे क्या हो गया है बेटा? आग लगे ऐसी शायरी को, मेरे बच्चे को कहीं का ना छोड़ा है। मैं तेरा बच्चा नहीं हूँ, मैं शहनशाह हूँ, शहनशाह। ये क्या बक रहा है बेटा? किसी ने सुन लिया तो तेरे जान की खैर नहीं। खबरदार, कौन सुन लेगा? हम खुद शहनशाह है, हमारी जान की खैर नहीं। खबरदार, वजीर कहाँ है? तमाम सब मुलाजिम कहाँ गए? बेटा वजीर आला, हमारी फौज कहाँ है? फौज जानते हो तुम सब लोग हम कौन है? हम इस मुल्क के बादशाह हैं, तुम सब लोग हमारी रियाया हो। मैं सच कहती हूँ पारा, वो पागल हो गया है, गला फाड़ फाड़ कर कह रहा है मैं शहंशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ। शहर भर के बच्चे उसे ये बड़े बड़े पत्थरे मार रहे हैं, मगर वो अपनी ही धुन में मजनू की तरह गा रहा है। पारा पारा पुकारू मैं वन में, पारा पारी बसी मेरे। बस करो गुलबहर, अब मुझे नहीं सुना जाता। या खुदा, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? जहाँ पना, जिंदगी ही जिंदगी में दो जिंदगी दफा हो गई। उधर गरीब हसन का बुरा हाल है, ये बेचारी रो रो के जान दिए देती है। हसन को हमारे रूबरू पेश किया जाए। जहाँ पना, ये शरारत
उन दो शैतानों की मालूम होती है अलीजा। उसमें से एक तो आपका भेष बदल के आया था, बिल्कुल आपका ऐसा, यानी उसको छिपाऊं आपको निकालूं, आपको निकालूं उसको छिपाऊं, कोई फर्क नहीं। उसने न जाने क्या चीज घोल के मुझे पिला दी कि मैं, उसके बाद मैंने अजीब ख्वाब देखा। भला ख्वाब पर भी किसी का जोर चल सकता है आलीजा? मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है। मैंने देखा जैसे मैं शाही आरामगाह में जलवा फरोज हूं और मुझे एक हसीना ख्वाब नाच से बेदार कर रही है। आलीजा फिर मैंने देखा गुस्ताखी माफ जैसे मैं शाही तख्त पर बैठा हुआ हूं और मेरी सलामती की तोपें दागी जा रही हैं, दरबारी मुझे झुक झुक के सलाम कर रहे हैं। आलीजा क्या गरीब आदमी के लिए बादशाही के ख्वाब देखना भी जुर्म है? बादशाही के ख्वाब देखने का जुर्म तो माफ किया जा सकता है, मगर तुमने जो जुर्म किया है हम हरगिज माफ नहीं कर सकते। वो क्या? तुमने आलम ख्वाब में एक हसीना से मोहब्बत की जी और उसका दिल तोड़ दिया है। हम तुमको उसकी इतनी सख्त सजा देंगे कि दुनिया याद करेगी। तुम्हें दुनिया की बदसूरत तरीन औरत से शादी करना होगी। खामोश, हाजिर करो। आलमपना, आप मुझे परेशान करा दीजिए, मेरा सब पंच जुदा करा दीजिए, मगर ऐसी सदा मुझे ना दीजिए। आलमपना, खामोश, अब की जबान खोले तो उसकी गर्दन उड़ा दो। आओ, अब बोल किया। जबान से कहो कबूल किया। कबूल किया। मुबारक हो हसन, मुबारक हो। और वजीर आला, हसन को एक साल की तनख्वाह पेश की अदा की जाए ताकि वो आराम से रह सके। देखो हसन, फजूल खर्ची ना होने पाए। अगर इस साल में दोबारा तुम हमसे कुछ भी मांगने आओगे तो कफन के लिए भी कौड़ियता ना होगी, समझे? आलमपना, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। कहो कहो। इन अशरफियों के बजाय मुझे कफन मंगवा दीजिए, क्योंकि मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता। खुदा न करे हसन। पारा, ये ख्वाब है या बेदानी? अम्मी जान, मियां आ गए। बेटा आ गया। अम्मी जान देखिए कितना हसीन है शहंशाह का मजा। ये आपकी बहू है। बहू? जीती रहो बेटा, जीती रहो। तू कितना खुश नसीब है अबुल हसन, मेरी जान सी बहू। अब मैं बड़े इत्मीनान से अपने हद को जा सकूंगी। तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। तुम लोग खुश रहो, दुआ करो कि खुदा मेरा हज कबूल करे इंशाल्लाह। जीते रहो, खुश रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। खुदा बुरी नजर से बचाए, आज तो चेहरा फूल की तरह खिला है। मालूम नहीं ये फूल किसी ताज की जीनत बनेगा या मजार पर चढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह, बुरी फाल मुंह से नहीं निकालते शहजादी साहिबा, ये फूल शाह मुराद के गले का हार बनेगा। मालूम नहीं शाह मुराद कैसे हैं। चंदे आफताब, चंदे महताब। मेरा दिल कहता है कि वो बहुत हसीन होंगे। इस वक्त कैसे आए वजीर सल्तनत? आलीजा, इत्तला मिली है कि मलकाबाद की शहजादी का काफिला चल पड़ा है। तो मुकाबले की तैयारी करो, हम किसी गनीम को अपनी सरहद में दाखिल नहीं होने देंगे। लेकिन जहाँ बना शहजादी आपसे मंसूब हो चुकी है और वो शादी की गरज से यहाँ तशरीफ ला रही है। तो शहजादी का हमला सल्तनत पर नहीं बल्कि बराह रास्त हमारी जात पर है। आलीजा, ये रिश्ता मरहूम शहनशाह का तय किया हुआ है। हमें रिश्ता रिश्ता मंजूर नहीं। खुदा के अलावा हम किसी भी चीज को बगैर देखे कबूल नहीं कर सकते। आलीजा, दोनों हुकूमतों के तालुकात खराब हो जाएंगे, जंग हो जाने का खतरा है। और शहजादी को बगैर देखे शादी करने से हमारी जिंदगी बर्बाद होने का खतरा है। जो मर्जी आलीजा, लेकिन सल्तनत के पुराने नमखार होने की हैसियत से
میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کی خدمت میں وہی درخواست دوبارہ پیش کروں۔ اگر آپ نے شادی سے انکار کر دیا تو شہزادی صاحبہ کی توہین ہوگی، ملک آباد کی فوجیں ہم پہ حملہ کر دیں اور ہزاروں بے گناہوں کا خون بہ جائے۔ ہمیں ڈرانے کی کوشش نہ کرو وزیر اعلیٰ، شادی زندگی کا سب سے بڑا جوا ہے، اگر جیت گئے تو زندگی جنت اور ہار گئے تو جہنم۔ ہماری زندگی داؤں پر نہ لگاؤ، ہم پہلے شہزادی کو دیکھیں گے اور پھر یہ طے کیا جائے گا کہ شادی ہوگی یا جنگ۔ اب تم جا سکتے ہو۔ آؤ حسن، آج کل تو تمہارے بڑے عیش معلوم ہوتے ہیں۔ کچھ نہ پوچھے جہاں پناہ، ساولی شامے سیاہ زلفوں کی مہکائی ہوئی، چاندنی راتیں جواں بوسوں کی پگھلائی ہوئی، زندگی کتنی ہنسی کتنی جواں ہے ان دنوں۔ ملک آباد کی شہزادی ہم سے شادی کرنے آ رہی ہیں۔ مبارک ہو جہاں پناہ، اس نیک کام میں دیر نہ کیجیے، فوراً کر ڈالیے، شادی بڑے کام کی چیز ہوتی ہے۔ مگر ہم نہ شہزادی کی صورت سے آشنا نہ ان کے مزاج سے واقف۔ جہاں پناہ، یہ مزاج اور صورت دیکھنا تو ہم غریبوں کے لیے ضروری ہے، بادشاہوں کے لیے نہیں۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہاں تو لے دے کے ایک ہی شادی ہوتی ہے، اگر اس میں بھی کچھ گڑبڑ ہو گئی تو بس گئے کام سے، پوری زندگی عذاب ہو جائے۔ بادشاہوں کا کیا، پورا محل کنیزوں بیویوں سے کھچا کھچ بھرا رہتا ہے، اگر اس میں ایک آدھ بصورت نکل گئی تو کیا ہوا۔ خاموش۔ ہمیں یہ بیوپاری شادی پسند نہیں، ہم حکومتوں کے سودے کے بجائے دل کا سودا چاہتے ہیں۔ تم نے پارا سے محبت کی، کیا ہمیں محبت کرنے کا حق نہیں؟ جی ہاں عالم پناہ، مگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ کہو۔ یہ باتیں شاہی جلال کو زیب نہیں دیتی۔ ہاں ہم شہنشاہی نہیں، انسان بھی تو ہیں۔ تو نہیں عالم پناہ، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ کہاں؟ ہم شہزادی کو دیکھنا چاہتے ہیں، صرف صورت ہی نہیں بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا وہ ہمیں ایک معمولی انسان کی حیثیت سے پسند کرے گی یا وہ صرف شاہی خزانوں سے شادی کرنے آ رہی ہے۔ لیکن عالم پناہ، تم ہمارے ساتھ چل رہے ہو، بس رو چاہے، مجھے اکیلا چھوڑ کے نہ جاؤ۔ جب نہ کرو پارا، حسن اپنی جان دے سکتا ہے مگر دیے ہوئے قول کو نہیں توڑ سکتا۔ میں نے شاہ مراد کے ساتھ جانے کا وعدہ کر دیا ہے، تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، نہیں تو میں رو رو کر جان دے دوں گی۔ نہیں پارا، سفر بہت لمبا ہے، میں جلد ہی لوٹاؤں گا۔ سنو تو، تمہاری جان کا دشمن پنا، میری لڑائی آپ سے نہیں، اس بے وفا ابو الحسن سے ہے۔ سارا تلوار مگر کاہے کو بھائی، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تو خام خواہ میری جان کا دشمن ہو رہے ہو؟ میں تم سے اپنی بدنصیب بہن پارا کا بدلہ لینے آیا ہوں، جسے تم ساتھ چھوڑ کر آئے ہو۔ تو آپ ہمارے سالے صاحب ہیں بھائی صاحب فضلہ، ذرا آپ ہی سوچیے کہ میں اس خطرناک سفر میں اسے ساتھ لے کے کہاں کہاں گھومتا۔ میں کہتا ہوں سیدھی طرح نکالو تلوار، نکالو تلوار۔ اجی فضلہ سالے صاحب غصہ تھوک دیجیے، نکالو تلوار۔ تلوار کو اتنی سی چیز ہے تو میں نے کہیں چھپا رکھی، کہاں ہے میرے پاس تلوار؟ نہیں، اور آپ بغیر تلوار ہی کلو ان سے، تم جیسے بزدل کے لیے مار دوں گا، بھرپور ہاتھوں سے کچھ رہ جائیں گے۔ کیسے میرا گسا بہت برا ہے، سارا کمزور ہے نا، تم بڑے بہادر ہو۔ آلو پڑا، آلو پڑا، عالم بنا لے جائیے، عالم بنا لے بتائیے، ابو الحسن کو بہت سزا ملتی۔
शाहमुराद का गुलाम है। रखो मैं उड़ा दो गर्दन में। देना मत जाएंगे हम दोस्तों। देना मत जाएंगे। इस अजनबी ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी हिफाजत की, इन्हें रिहा किया जाए। इनके जख्मों की मरहम पट्टी की जाए। जो ले जाओ हकीम साहब। आज कुछ नहीं हो सकता वजीर आला। क्यों 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 क्यों? शहजादी साहबा फरमाती हैं कि अजनबी को आराम की जरूरत है। आराम 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 आराम। आप क्यों तकलीफ फरमा रही हैं शहजादी साहब? तुमने अपनी जान पर खेल कर हमें बचाया है। वो तो मेरा फर्ज था। तो ये हमारा फर्ज है? तब तो फिर और भी जख्म खाना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप मरहम पट्टी करेंगे। शाह मुराद के मुंह चढ़े मालूम होते हो। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। दरअसल शाह मुराद मेरे काट के उल्लू है। खामोश। मैं सही अर्ज कर रहा हूँ शहजादी साहबा, जहाँ तक हुकूमत का सवाल है वजीर आला का हुक्म चलता है, लेकिन दिल की दुनिया के हम मालिक। तुम? जी बस यही समझ लीजिए कि शहंशाह का दिल हमारे सीने में धड़कता है। जब ही तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है कि शादी से पहले आपको देखकर फैसला करूँ। फैसला? जी। और अगर तुमने हमें पसंद नहीं किया तो आपका भी वही असर होगा जो हरम की दूसरी औरतों का होता है। हरम? मगर हमने तो सुना है कि शहंशाह की कोई हरम नहीं। नहीं के बराबर ही है, यही कोई 150-200 औरतें हैं। 150-200? जी हाँ, अब तो और भी कम रह गई हैं। पिछली चांद रात शहंशाह ने 6 को तो दरिया में फेंकवा दिया और 12 ने गले में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मगर आप क्यों परेशान होती हैं? मैं तो आपको पसंद करता हूं। मेरा मतलब है कि शाह की तरफ से। तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो शाह। क्या शहंशाह बहुत हसीन है? क्या कहने हैं क्या कहने हैं, वो शाहाना शक्ल पाई है कि जवाब नहीं। चाल बड़ी लोचदार है। बात यह है कि एक टांग छोटी है और एक टांग बड़ी।
या खुदा, सारी दुनिया को एक आंख से देखते हैं। एक खूबी तो है। जी हाँ, बात यह है कि शहंशाह जरा काने हैं। शहजादी साहब, इतने गुलामों और कनीजों के होते हुए आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अपनी जान बचाने वाले की जिम्मेदारी तकलीफ नहीं, ऐन राहत है। खैरियत तो है वजीर आला? खैरियत, बिल्कुल खैरियत, खैरियत, खैरियत। फरमाइए फरमाइए। सीधे मुंह बात ही नहीं किया करते। अरे भाई मगर जरा दूर से बात करो ना। सूरत गुलामों जैसी, नखरा शाहों जैसा। शुक्रिया। शहजादी साहिबा ने याद फरमाया है। शहजादी साहिबा ने? हाँ हाँ, क्या बहरे हो, सुनाई नहीं देता? चलो। शाही आदाब से भी वाकिफ नहीं हो नादर। इस नाचीज को शहजादी साहब ने कैसे याद फरमाया? हर वक्त बेकार टन 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 किया करते हो। ये मुफ्तखोरी की आदत अच्छी नहीं है मियां। अपने नगमों से शहजादी साहब का दिल बहलाओ। बैठो। रहे नसीब। क्या सुनिएगा शहजादी साहिबा? आप बीती या जग बीती? ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ याद है वही सुना। बहुत खूब, तो फिर सुनिए। मोहब्बत बनाए, मोहब्बत मिटाए, मोहब्बत किसी दिन खुदा बन न जाए। मोहब्बत करम भी, मोहब्बत सितम भी, मोहब्बत से मजबूर तुम भी हो हम भी। बकवास, मोहब्बत दिमाग की एक बीमारी के सिवा और कुछ नहीं। वजीर आला, बीच में ना टोकिए, अजनबी शायर, अपना बयान जारी रखो। बहुत खूब शहजादी साहिबा। थी एक शहजादी बड़ी खूबसूरत, जमी पर उतर आई थी हूर जन्नत। जवां जिस्म में सो तरह के नजारे, हसी मस्त आंखों में पिघले सितारे। थी एक शहजादी लांबा सकद, वो लचकती सी बाहें, गुनाहगार करती थी नीची निगाहें। लरजते जो थे लब गुलाबी गुलाबी, पटक देते थे जाम कितने शराबी। नजर में तकाजे, लबों पर बहाने, चली वो किसी का मुकद्दर जगाने। थी एक शहजादी, अचानक फकीर
शिरक नसीबों कमारा नजर आ गया जैसे बादल में तारा निगाहें मिली आरज़ू मुस्कुरा दी मोहब्बत ने सोई तमन्ना जगा दी थी एक शहजादी। हल मिला कुल अला एक शहजादी एक फकीर से क्यों कर मोहब्बत कर सकती है? आप इन बातों को नहीं समझ सकते वजीर आला। हाँ अजनबी, तो उनकी मोहब्बत का क्या अंजाम हुआ? इतना हंसे आखिर उन्हें रोना पड़ा देखो सितम मिलकर जुदा होना पड़ा। इतना हंसे आखिर उन्हें रोना पड़ा देखो सितम मिलकर जुदा होना पड़ा। ख्वाबों की जन्नत लुट गई रास्ते में उल्फत लुट गई वो चांदनी रातें गईं रंगी मुलाकातें गईं। दुश्मन जमाना हो गया दिल का सुकून खोना पड़ा। इतना हंसे आखिर उन्हें रोना पड़ा देखो सितम मिलकर जुदा होना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ? मोहब्बत की दुनिया लुट जाने के बाद वो दिल रुबा शम्मे हया जलने लगी फरियाद में कातिल हंसी ढल लगी। आंखों से जादू उड़ गया नजरों का नश्तर मुड़ गया गेसू परेशान हो गए मरने के सामा हो गए गेसू परेशान हो गए मरने के सामा हो गए। सीने में हर दम आह की तलवार सी चलने लगी वो दिल रुबा शम्मे हया जलने लगी फरियाद में कातिल हंसी ढलने लगी। और बेचारा शायर वो मजबूर किस्मत से बाजी लगाए लहू से चिरागे तमन्ना जलाए मुखालिफ हवाओं से टकरा रहा था अंधेरे में बढ़ता चला जा रहा था। मोहब्बत ने जख्मी लबों से दुआ दी लिया जिसने दिल जा उसी पर गवा दी। चलो माफ करना। वजीर आला, आपके सीने में दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है। अजनबी, फिर उस बदनसीब शहजादी का क्या अंजाम हुआ? घटा खुल गई आंसुओं की बरस कर उसे आ गया सब्र दो दिन। अब अजीब आदमी हो जी, तुमसे दिल बहलाने की फरमाइश की गई थी, रुलाने की नहीं। शहजादी साहबा, अब तो कूच की इजाजत दीजिए। अच्छा अजनबी शायर, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। रात में यूं भी गुजर गई रातें
यूं भी गुजर गई रातें तेरे फिराक में। अरे जरा उधर परे हट के। क्यों? अरे सारा खेमा पड़ा हुआ है मेरे ही सर पर चढ़ के बैठने की चाल जरूरत है। हम तो यहीं बैठेंगे। अच्छा भाई तुम्हारी खुशी। यूं भी गुजर गई रातें। शायरी हो रही है जी। तो मेरे ऊपर एक अच्छा सा शेर कह दो। अरे अगर मेरा साला देख लेगा तो क्या होगा? तो मैं तुम्हें अपने दिल में छुपा लूंगी। अच्छा बाकी तो छुपाओ अपने दिल में। ये मुझे छेड़ रहा था। और बाकी ये झूठ बोल रहेगी। मैं इसे कतई नहीं छेड़ रहा था। ये झूठी है। कैसे मार दो जी, ये मुझे झूठी कह रहा और तुम खड़े देख रहे हो। सारा से ये निकालो तैयार हो जाओ। शाबाश मेरे शेर। खैरियत तो है? कहाँ है खैरियत जिस दिन से तुम मिले हो बाप। मगर मेरी तो शादी हो चुकी है। मैं तुम्हें तुम्हें से शादी कर लेता। शादी हो चुकी? हाँ दो बच्चे ही। दो बच्चे भी है? हाँ। तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? अरे रे तुमने पूछा ही कब था? धोखे बाज। आदाबर से। कुछ और भी भड़का दी झलक दिखला के तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। इतनी गुस्ताख न हो इश्क की आवारा नजर हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। चांद तारों को मैसर है नजारा तेरा मेरी बेताब निगाहों से ये पर्दा क्यों है। चांद आईना मेरा तारे मेरा नक्श कदम घर को आँख मिलाने की तमन्ना क्यों है। तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। तुझको देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने बस यही इसके सिवा मेरी खता क्या होगी। मैंने अच्छा किया घबरा के जो मुंह फेर लिया इससे कम दिल के तड़पने की सजा क्या होगी। तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। प्यास कुछ और भी भड़का दी झलक दिखला के तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। इतनी गुस्ताख न हो इश्क की आवारा नजर हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। Thank you.
हकीम साहब, हकीम साहब। गुजरे वाला, अरे बुढ़ापे में मेरा मुंह काला हो जाएगा अगर शहजादी। खामोश गुजरे वाला, ऐसी बातें मुंह से निकालने की नहीं होती। अगर किसी के कान में भनक पड़ गई तो जान की खैर नहीं। हाँ जान की खैर, जान की खैर नहीं, जान की खैर नहीं, दुआ की खैर नहीं। किसके हुक्म से खैमे में आने की जुर्रत की? शाह मुराद के हुक्म से। शाह ने गुलाम को शहजादी का दिल बहलाने के लिए भेजा है। कुछ और सुनिएगा। हमारे पास इन हिमाकतों के लिए वक्त नहीं है। मेरे रबाब को सुनने के लिए डूबता हुआ सूरज और बहते हुए दरिया तक रुक जाया करते हैं। और आप यूं दिलचस्पी फरमा रही हैं शहजादी साहिबा? जबान तो खूब चलती है। शुक्रिया। लाहौल बदल मालूम होता है मेरी जिंदगी का ये आखिरी सफर। इस लकड़ी के टुकड़े में से ऐसे जादू भरे नगमे क्यों कर निकाल लेते हो? ये राग उंगलियों से नहीं शहजादी साहिबा, बल्कि दिल से निकलते हैं। आप बजाइए। ऐसे नहीं, ये हाथ यहां रखिए और ये हाथ यहां, ऐसे। अब तसव्वुरात की डोर को आजाद छोड़ दीजिए, ख्वाबों की दुनिया में खो जाइए। सोचिए कि आपका महबूब आपके सामने बैठा है और अरमानों भरी जवानी मोहब्बत की रंगीन कहानी सुना रही है। दो जवान दिल धड़क कर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जिंदगी ने सांस रोक ली है, सितारे रुक गए हैं, वक्त ठहर गया है। चले जाओ यहां से, हमें नहीं पता था कि तुम इतने जलील हो। शहजादी साहब, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। कान बंद करने से कोई फायदा नहीं शहजादी साहिबा, मेरी आवाज आपके दिल की धड़कन बन चुकी है। चले जाओ यहां से। हम पर तुम्हारा एहसान ना होता तो सर कलम करवा देते इस गुस्ताखी पर। पछताइएगा शहजादी साहिबा, मैं अगर चला गया तो आपके ख्वाबों की दुनिया उजड़ जाएगी, अरमानों का खून हो जाएगा। आंखें मेरी सूरत को, कान मेरे नगमों को तरसेंगे। आप मुझे ढूंढिएगा, पुकारिएगा और मेरे कदमों के निशान देखते ही पीछे पीछे चले आइए। चले जाओ यहां से। हम कभी तुम्हारी सूरत देखना पसंद नहीं करेंगे। आज तो बखुदा मजा आ गया हसन। गुस्ताखी माफ आलिया, कहीं हंसी में खसी ना हो जाए। अब ये खेल खत्म कीजिए और वापस चलिए। खेल तो अब शुरू हुआ है हसन। आपने शहजादी को देख लिया, शहजादी ने आपको, अब क्या देखना बाकी रह गया? अभी बहुत कुछ देखना बाकी। आज रात को तो बड़े जोर का मुकाबला होने वाला है। एक तरफ शहनशाह का जाहो जलाल और दूसरी तरफ हमारी मोहब्बत। देखना है कि जीत किसकी होती है। मगर आलिया, शहनशाह तो आप ही हैं और फिर आप तो ये हार जी। ये तुम नहीं समझोगे हसन। उदास उदास फिजाओं में नूर छलकाओ, बुझे बुझे हुए तारों को हंस के चमकाओ। वो
غرور حسن سلامت نہ راہ دکھلاؤ رباب ڈوب گیا خون میں اب تو آ جاؤ آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا سر عشق کے قدموں پہ جھکانا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا ماں میرا ہر سانس میں رس گھول رہا ہے اس سانس کے پردے میں خدا بول رہا ہے نغمہ میرا ہر سانس میں رس گھول رہا ہے اس سانس کے پردے میں خدا بول رہا ہے چھیڑا ہے اگر سانس تو گانا ہی پڑے گا کھیلا ہے اگر سانس تو گانا ہی پڑے گا سر عشق کے قدموں پہ جھکانا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا کے گلہو درد بھرے راگ سے کب تک کھیلے گی تیری مست ادا سے کب تک تب کے گلہو درد بھرے راگ سے کب تک کھیلے گی تیری مست ادا سے کب تک اس کھیل میں اب ہاتھ جلانا ہی پڑے گا اس کھیل میں اب ہاتھ جلانا ہی پڑے گا سر عشق کے قدموں پہ جھکانا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا الفت کبھی دنیا سے ڈرے گی نہ ڈری ہے کہ جوانی نے صدا مانگ بھری ہے الفت کبھی دنیا سے ڈرے گی نہ ڈری ہے پوروں کے جوانی نے صدا مانگ بھری ہے ہنسنے کے لیے زخم تو کھانا ہی پڑے گا سر عشق کے قدموں پہ جھکانا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا آنا ہی پڑے گا مجھے اتنی سخت سزا نہ دو کہاں چلیں کتنا بے گا ہوں نکال تلوار بس دل کہیں کا جانے دے بھائی بھول ہوئی پھول کا بچہ نکال تلوار ارے دے چھو چھو وہ دیکھو کون آ رہا کہاں کہاں چلے واقعی ارے باپ رے کہاں سے مصیبت آ گئی چھوڑو 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 سنو تو کہاں چلے باقی اچھا
क्या हुआ, क्या हुआ? अरे वो आ रही है। कौन? वही वही तुम्हारी फितना। अरे बाप रे, जल्दी जलाल तू आई बुला को टालती, जल्दी जलाल तू आई बुला को टालती। कहाँ है वो? कौन वो? मेरा साला। हाँ। अच्छी, वो तो अभी इस तरफ से गया है। शुक्र, आओ। कहाँ? ए, क्या देखता है? कुछ नहीं यार, अगर तू लड़के के बजाय लड़की होता तो मैं तेरी बहन के बजाय तुझी से शादी करता। अच्छा, अगर अब मैं लड़की हो गई तो क्या अपनी बीवी को तलाक दे दोगे? अरे तलाक, अगर तुम कहो तो उसका सर काट के तुम्हारे कद्दू पर डाल दूं। अच्छा ये बात है। हाँ। तो लो काटो सर, काटो। मुझे इस जहन्नम से निकाल लीजिए लो अजनबी, दूर बहुत दूर जहां मैं हूं, तुम हो और तुम्हारा ये हसीन रबाब। हम गरीबों की जिंदगी बड़ी कठिन होती है शहजादी साहिबा, दिन कांटों पर और रातें अंगारों पर गुजरती हैं। मैं तुम्हारे लिए अंगारे दामन में समेट लूंगी और काटे पलकों से चुनूंगी। ये ख्वाब हकीकत की चढ़ान से टकरा के चकना चूर हो जाएंगे, चार कदम चलकर आपके नाजुक पैरों में आबले पड़ जाएंगे, ये फूल सा चेहरा कुंभला जाएगा और आंखें आंसुओं में डूबकर वीरान हो जाएंगी। तुम मुझसे दामन छुड़ाना चाहते हो अजनबी? नहीं शहजादी, मुझे जिस पति की तलाश थी वो मिल गया। तो फिर चलो आज ही रात। अब इसकी जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है कि हमको मौके का इंतजार करना चाहिए। फुफरे वाला क्या हुआ? गजब हो गया शहजादी साहिबा। रात बहुत हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बादशाह मुराद तक पहुँच गई तो वो शादी से इनकार कर देंगे और हमें जीते जी जहन्नम में झोंकने की आपकी ये साजिश नाकाम हो जाएगी। ये क्या कह रही हैं आप? लोगों ने जिससे हमारी शादी तय की है उसे देखा भी है? देखने की जरूरत नहीं, वो नूराबाद का शहंशाह है, काफी फौज और बहुत बड़े खजाने का मालिक है। वजीर आला, अरमान भरा दिल फौज और ताकत के अलावा भी कुछ देखता है। शहजादी साहबा, इस शादी से दोनों रियासतों में दोस्ती का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। वो इंसान की शक्ल में खुदा का कहर है, हम अपनी जिंदगी पर उसकी परछाई भी न पड़ने देंगे। दोनों रियासतों में जंग छिड़ जाएगी, हजारों बेगुनाहों का खून बह जाएगा और फिर हम कमजोर भी तो हैं। ऐसी बात आपको जबान पर नहीं लाना चाहिए। खुदा ने जबान इसीलिए दी है वजीर सल्तनत के इंसान अपने दिल की बात कह सके। शहजादी साहबा, मलकाबाद की रियासत ने जहाँ मेरे कंधे पर फराइज का बोझ रखा है वहाँ कुछ अख्तियारात भी दिए। वजीर आला, आप हमारे रास्ते की दीवार बन रहे हैं। मेरा फर्ज मुझे मजबूर कर रहा है। रहम कीजिए वजीर आला, हमें जाहो जलाल शान और शौकत कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और आप मलिकाबाद वापस लौट जाइए। और आलीजा का कहर इस बुढ़ापे में? वो कुछ नहीं कहेंगे,
उनसे कह दीजिएगा कि शहजादी लाला रुख मर गई। हाँ, शहजादी लाला रुख मर गई। मैं ये सफेद दाढ़ी लेकर झूठ नहीं बोल सकता। ये झूठ नहीं है वजीरे आला, वाकई शहजादी लाला रुख मर गई। मैं शहजादी नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली औरत हूँ जिसके रुए रुए में एक गरीब इंसान की मोहब्बत रची हुई है। कूच की तैयारी की जाए। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मेरी किस्मत का फैसला हो चुका है। अब कहाँ जा रही हैं शहजादी साहिबा? इस वक्त जंगली जानवर उसकी हड्डियों पे रबाब बजा रहे होंगे। से मजबूर होकर मुझे उस बेवकूफ की जान लेना पड़ी। जाने दो मुझे, मैं उसके पास जाऊंगी। खत्म हो गया। क्या हुआ? खत्म हो गया। शहंशाह को मार डाला। या खुदा, इसीलिए मैं तुम्हें साथ नहीं ला रहा था। छोड़ो इन बातों को, भाग चलो ना अपनी बिजान की खैरियत से। Thank you.
मैं आ गई हूँ अजनबी, मैं आ गई हूँ। अब इस खेल को खत्म कर दो शहजादी। हाँ, अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। वजीर, वजीर आला से कह दो कि मैं ही शहंशाह हूँ। हाँ शहजादी। हाँ, तुम ही तो मेरे दिल के शहंशाह हो। शहजादी साहब, रहम करो, ला रहम करो। ठहरो, इसे कुत्ते की मौत मरने दो, यहीं सिसक सिसक कर। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि दुश्मनों को ज्यादा चोट नहीं आई। अब तो वापस चलिए आलम बना। तुम कितने अहमक हो हसन, पता नहीं बेचारी शहजादी का हमारे गम में क्या हाल होगा, और तुम कहते हो वापस चलिए। अनिजा, काफले ने आज भी कुछ नहीं किया। तारा, तुम किसी तरह से शहजादी के पास पहुंचो और हमको उनकी खैरियत से आगाह करो। जो हुक्म अनिजा। बेहतर होगा कि तुम काफले के साथ नूराबाद चली जाओ, इस तरह से रास्ते में शहजादी की देखभाल भी कर सकोगी। बहुत होशियारी से पारा। हुजूर, डाकुओं ने हमें लूट लिया, मेरे साथी न जाने मुझे छोड़कर किधर चले गए। दो रोज से भूखी प्यासी मैं जंगल में छुपी बैठी हूँ, आपका काफला देखकर जरा ढारस बंधी। तुझे कहाँ जाना है लड़की? नूराबाद मेरा वतन है, मैं वहीं जा रही थी, मगर अब जिधर आपका काफला जाएगा उधर ही जाऊंगी। हम भी तो नूराबाद ही जा रहे हैं। हुजूर, ये मेरी खुशनसीबी है, मैं किस जबान से हुजूर वाला की इनायत का शुक्रिया अदा करूं। इसे शहजादी साहब के खेमे में पहुंचा दिया जाए और कूच की तैयारी की जाए। हुजूर वाला, शहजादी साहिबा की हालत बहुत नाजुक है, लिहाजा काफला कुछ नहीं कर सकता। या खुदा, रहम फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा। हकीम साहब। जी हुजूर। अरे आप किस मर्ज की दवा है? बीमारों का इलाज तो ये गुलाम कर सकता है, मगर शहजादी के मर्ज की दवा ना तो आपके हाथ है और ना मेरे। इशा खुदा, ये बुढ़ापे में किन गुनाहों की सजा मिल रही है, किन गुनाहों की सजा मिल रही है? लीला, कुछ कीजिए हकीम साहब। सिवाय दुआ के ये गुलाम और क्या कर सकता है? हाँ, दुआ, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। जो देखे हुजूर वाला, शहजादी की हालत बहुत नाजुक है। वह हुजूर वाला, ये अच्छा मजाक है, किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी। मगर अब किया क्या जाए? चल के सब कुछ बता दीजिए। अगर किसी ने यकीन ना किया तो वजीर आला तो तुम जानते ही हो। जो वजीर आला निरे गड़बड़ झाला है। अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि खुदकुशी करके जहन्नम वासल हो जाऊं। या खुदा, जरूर वाला, दो अजनबी आए हैं और अपने को हकीम बताते हैं। अजनबी, लानत हो इन अजनबियों पर, होंगे लफंगे कहीं के, बता दो उनको हमारा दिमाग पहले ही परेशान है। नाचीज के पास दिमाग की परेशानी का भी इलाज है, निकालो इन लफंगों को। हमारे पास गुस्ताखी का भी इलाज है। हुजूर वाला, बस आजमाइश शर्त है, आजमाइश। हम उस नादान बच्चे का इलाज कर सकते हैं, हमारे पास उसके जख्मी दिल के लिए दवा है। कौन नादान बच्चे का? हुजूर वाला, हकीम साहब बहुत पहुंचे हुए आदमी है, इनसे दुनिया का कोई राज पोशीदा नहीं है। वही कि जो शहजादी कहलाती है, मगर सीने में औरत का दिल है। आसमानों में बसने वाली अब मोहब्बत के खातिर जमीन पर आ गई है। और वो अजनबी शायर के जिसने बस मत खामोश। दीवार हम गोश दारत, अगर ये बात नूराबाद के शहंशाह के कानों तक पहुंच गई तो मेरा तो घबराइए मत, हम सब ठीक कर लेंगे। अल्लाह अपने साथ है, फिर क्या फिक्र है घबराने की।
तो चलिए तशरीफ ले चलिए आइए। आइए आइए तशरीफ लाइए। जी हाँ जी हाँ जरूर तशरीफ ले चलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। आइए तशरीफ लाइए। ये रही मरीजा। अल्लाह रहम करे अल्लाह रहम करे। जरा इधर देखिए तो। क्या कर रहे हैं? देखिए साहब हम दखल तरबाकुलात पसंद नहीं करते। आप नुस्खा लिखिए नुस्खा। अब बगैर मरज के पहचाने ही नुस्खा लिख दे। जी हाँ खुदा हाफिज। अरे सुनिए तो कबला, अगर हमारा इलाज आपको करवाना है तो जो हम कहेंगे वो होगा। जी हाँ जी तखलिया तखलिया। जी हाँ तखलिया 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 तखलिया। माशाल्लाह। डरो नहीं डरो नहीं, हम तुम्हें शफा देने आए। मुझे शफा नहीं मौत चाहिए। मरने वाले के साथ कोई नहीं मर जाता। इस नौजवानी में मौत का जिक्र किस कदर मनहूस है। अस्तग़फ़िरुल्लाह तबाह तबाह। जो जीना ना चाहे उसके लिए मौत का जिक्र मनहूस नहीं मुबारक होता है। आप यहाँ से चले जाइए। नादान बच्ची, एक फकीर के वास्ते जान देना कितनी बड़ी हिमाकत है। जरा दुनिया की तरफ तो देख, किस कदर खूबसूरत है ये कमसिनी और मौत, ये हुस्न और जिंदगी से बेजारी। बस बस रहने दीजिए, ज्यादा नसीहतों की जरूरत नहीं। आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। तुम दिल के हाथों मजबूर है शहजादी, और जो दिल के हाथों मजबूर होता है वो दिल के अलावा किसी का कहना नहीं मानता। बिल्कुल यही हालत हमारी भी है शहजादी। यानी ये कि जब से तुम पैदा हुई हो तुम्हारे हुस्न के चर्चे सुनते हैं और अपना सर ढूंढते हैं शहजादी। हाँ शहजादी, हम तुम्हारा इलाज करने नहीं आए शहजादी, हम अपने दिल के जख्मों की दवा लेने आए। रहम करो शहजादी, अपनी नौजवानी का सबका इस जहीफी में। इस बुढ़ापे में आपको ऐसी बेहूदा बातें करते हुए शर्म नहीं आती? दिल के हाथों मजबूर हूँ हसीना, रहम मेरे दिल के मलिका। कोई है? तखलिया तखलिया तखलिया। हाँ, तखलिया। वैसे हम देखने में ही बूढ़े हैं शहजादी साहब, अब दिल हमारा भी जवान है। कभी शैतान तेरी ये जुरत। कहाँ जा रही है? जाने दे मुझे। डरो नहीं शहजादी साहबा, इस वक्त यहाँ कोई नहीं आएगा, हमने सब इंतजाम करा लिया। शर्म नहीं आती? जरा अपनी सफरदारी तो देख। मोहब्बत में शर्म कैसी शहजादी साहबा, आप भी तो एक अदना फकीर से मोहब्बत करती हैं, हालांकि उसका और आपका कोई मुकाबला नहीं, लेकिन फिर भी आप मजबूर हैं कि उससे मोहब्बत करें। बिल्कुल यही हालत हमारी भी है शहजादी साहब। शहजादी दूर हो जाओ। अच्छी बात है, हम चले जाते हैं। अगर हम तुम्हारी मुलाकात उस अजनबी फकीर से करा दें तो? बुड्ढे खुशक मुझे बेवकूफ बनाता है। इतनी तलखीन शीरी होंठों को जेब नहीं देती शहजादी। तुम्हारे महबूब से अगर तुम्हारी मुलाकात करा दें तो? अब तो मौत ही हम दोनों को मिलवाएगी। यकीन है शहजादी कि हम झूठे वादे नहीं करते। तो क्या वो जिंदा है? हाँ, और एक शर्त में मुलाकात भी हो सकती है। कैसी शर्त? वो ये क्या हमारे टूटे हुए दिल को? छोड़ दो मुझे। तुम्हारी मर्जी, हम चले जाते हैं। अगर उससे मिलना हो तो रात को रबाब की आवाज पे चली आना। हकीम साहब, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। मर्ज बहुत खतरनाक है। अल्लाह अल्लाह। अगर आप हमारे हमराह चले तो शाह मुराद आपको मालामाल कर देंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह देखिए साहब, अगर ये माल दौलत का लालच आपने दिया तो हम लोग फौरन चले जाएंगे। खुदा हाफ़िज़। लेकिन शहजादी को अगर रास्ते में कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, हकीम साहब नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम इस कदर बेरहम नहीं है। हम इसका वादा करते हैं कि सरहद तक आपको बखैरियत पहुँचा देंगे। मगर जी फरमाइए। ये माल दौलत की फिर बात की तो चले जाएंगे हम लोग, फौरन चले जाएंगे। जहाँ आपका हुक्म सर आंखों पर, आप खेमे में चल के आराम फरमाइए। आइए तशरीफ ले चलिए। तुमने बड़ी देर कर दी, हमारी आंखें तुम्हारी राह देख देख कर बूढ़ी हो गईं।
कहाँ है अजनबी? अजनबी? अरे तुम भी बड़ी भोली हो शहजादी, कहीं मरने वाले भी जिया करते हैं। तो तुमने हमें धोखा दिया? हम क्या करें शहजादी, अपने दिल बेकरार से मजबूर होकर। छोड़ दो हमें, छोड़ दो, नापाक बुड्ढे। ये क्या करती हो शहजादी, अपने महबूब के खून से हाथ रंगना चाहती हो? लानत है ऐसे महबूब पर। ये तुम्हारी भूल है शहजादी, मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। लानत भेजो मरने वाले पर, जरा इस दिल बेकरार पे हाथ रखकर देखो किस जोर जोर से धड़क रहा है शहजादी। अच्छा, तुम्हारे सारे अजीज की कसम, जरा दिल पे हाथ रखो तो देखो। ठीक करते हैं आप। अब कुछ करार आया शहजादी, अब कुछ करार आया। अगर अब भी करार नहीं आया तो ये ले। बदमाश कमीने, बदमाश। रहम करो शहजादी, रहम करो। रहम और शिक्षा कमीने। मरिए ना शहजादी साहिबा, आपके हाथ में तो मौत की जिंदगी है, फिर तकल्लुफ कैसा? अजनबी, दूल्हे वाला जिस्म के करीब वो और शहजादे साहिबा। बस 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 बस, आज हम अपने हाथ से उस नामराद को मारते रहे। पकड़ो बस, बैठो। यानी यानी कि आप फिर ना दिलोगे? देखिए साहब, अगर इस सूरत से जासूसों की तरह से आप हमारे पीछे पीछे रहेंगे तो फिर तुम्हें खुदा गलती हो गई। कितना गलती हो गई, खैर माफ किया जाता। तो तशरीफ ले, जो होगा जो होगा। तशरीफ ले चलो बच्चा, तशरीफ ले चलो, तशरीफ ले चलो, ले चलो
भाइयों गिरफ्तार कर लो। कहाँ गायब हो गए? खुदा जाने कहाँ गायब हो गए? खुदा हाफिज़ शहजादी साहब। हमें भी अपने साथ ले चलो अजनबी। सर आंखों पर, मगर नूराबाद में आपके शहर मकदम की तैयारियां हो रही हैं। अगर हम यूं बुजदिलों की तरह भाग निकले तो सारी दुनिया हमारे नाम पे हंसे। मगर अजनबी, आप नूराबाद तशरीफ ले चलिए, अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा न कर सकेगी। मैं शहनशाह से भी आपको छीन लूंगा। नहीं नहीं, नूराबाद में मुलाकात होगी। खुदा अजनबी। ले जा मेरी दुआएं, ले जा मेरी दुआएं, दामन छुड़ाने अल्लाह के हवाले, तड़पा के जाने वाले अल्लाह के हवाले, तड़पा के जाने वाले। गुरकत का दर्द
शहजादी साहबा, शहजादी साहबा, मैं अपने सबसे मजबूर हूँ शहजादी साहबा। कल सुबह तक हम बात तो हम जाएंगे। मैं कूच की तैयारी करो। वजीरे आला, जहाँ बना आपको तकनीय नहीं याद करवा रहे हैं। तस्वीर ले जाइए किबला, बड़े तस्वीर है जो इतनी जल्दी बाहर जाने हासिल हो गई। अच्छा चलो चलिए। आसमान पे सूरज और फरखे मुबारक पे ये ताज हमेशा जगमगाता रहे। आमीन। खुशामदीद वजीरे आला। तू ना अनजान ना बकार, तू यहाँ भी पहुंच गया, तू यहाँ क्यों आया? तो जरा ऐसा बात कीजिए, अगर आपने यहाँ कोई ऐसी वैसी बात कर दी तो तमाम हालात शहनशाह को मालूम हो जाएंगे। मगर तुम यहाँ क्यों आए? खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ, मैं जहाँ पर आपको क्या मुंह दिखाऊंगा। वजीरे आला, आपने हमें और शहजादी को अलग करने की बहुत कोशिश की, मगर यहाँ पर आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपने हाथ कर दूंगा। बात तो सुनिए, मैं क्या सुनती, मैं खुद ही शहनशाह हूँ। देखिए ना, यहाँ पर शहजादी साहिबा के लिए तोहफे हाजिर हैं। ये तोहफे हमारी जानिब से शहजादी लाला रुख की खिदमत पेश करो और उनसे अर्ज करो कि हम उनके दीदार के लिए बेताब हैं। जी चल। आजम पना, ये क्या मजाक है। शहजादी साहिबा, शहनशाह ने आपके लिए ये तोहफे भेजे हैं। ये नायाब तोहफे शहनशाह की खिदमत में वापस ले जाओ, हम इनके लायक नहीं। मालूम होता है कि शहजादी साहबा को हमारे तोहफे पसंद नहीं आए। ऐसी भी क्या बे करा रही है शहजादी साहबा, जरा दिल को तो समझिए। हमारे रोबे हुस्न से मरूब होकर न जाने कितनी शहजादियों ने जान दे दी है। इन आंखों पर तरस खाइए शहनशाह। हमारा दिल भी तुम्हारे लिए पेटा है शहजादी, और उसका इलाज है शादी। शादी, शादी का नाम न लीजिए, मेरी शादी हो चुकी है। क्या? हाँ, एक दिल वाले ने अपने खून से मेरी मांग भर दी, मैं उसी की हो चुकी हूँ। यह सब बकवास है, कोई गवाह पेश कर सकती हो? आसमान पर चमकते हुए हजारों सितारे, जिनकी वो बारात लेकर आया था, चश्मे की वो चंचल लहरें, जिन्होंने शहनाई बजाई थी, उसके जख्मों से टपकता हुआ खून, जिसने ये हाथ रंगा था। ऐसी गवाहियों की कानून की नजर में कोई हैसियत नहीं, तो तुम्हारी शादी हमसे हो गया। शहनशाह, शादी कोई फांसी का फंदा नहीं जो जबरदस्ती किसी के गले में डाल दिया जाए। एक दिल था जो मैं किसी और को दे चुकी हूँ। कहाँ का शहनशाह? वो दिल वाला? मेरे दिल का शहनशाह। तब तो कोई बात नहीं, ऐसे शहनशाहों के पास न तो फौज होती है और न हथियार, हम बड़ी आसानी से उसका सर कुचल देंगे। शहनशाह, आप ताकत के नशे में चूर हैं और मैं मोहब्बत के, मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं। हम रिश्ता तोड़ना भी जानते हैं, जोड़ना भी जानते हैं। कल शाम तक अगर तुम शादी के लिए राजी नहीं हो गई तो हमको ताकत इस्तेमाल करना पड़ेगी। हाँ मिया, मार मार कर भूता बना डाला, घर अकेला पागल, सब सामान लूट के, घर में खाने तक को नहीं है, इतना मारा है कि अभी तक हड्डियां दुख रही है। चल दफा लो। देखा, इसीलिए कहता था कि अकेला घर छोड़ के न जाओ। उधर अम्मा जान गई हज को और इधर लोगों ने पूरे मकान का सफाया कर दिया। क्या होगा अब? क्या होगा अब? फाके करेंगे,
बादशाह ने कह दिया था कि हसन तुम बहुत फजूल खर्च हो, अब अगर साल के बीच में मांगने आए तो कफन को एक कौड़ी भी ना मिलेगी। कफन को तो मिलेगी, बस एक तरकीब समझ में आती है। वो क्या? वो ये कि तुम मत जाओ। क्या कहा? अरे मैं मर जाऊं? अरे सुनो तो। क्यों? अरे सुनो तो, मेरे मेरे दुश्मन मैं क्यों मरूं? अरे मेरा मतलब यह है कि जरा सुनो तो, दिमाग मुबारक में वो तरकीब आई है कि बस वल्ला सुनो। मगर को छोड़ो। जहाँ बना मैं तो मर गया, जहाँ बना तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ? जहाँ बना कहीं का नहीं रहा। अरे भाई तुम बात क्या है, बात बताओ ना। पारा जहाँ बना, मुंह से तो कुछ बोला ना। क्या नहीं निकलता? जहाँ बना पारा मर गए। क्या हुआ पारा? शहजादी साहब हसन मुझे दुनिया से छोड़कर चला गया। मैं लूट गई, मैं बर्बाद हो गई। और ऐसे वक्त में वो मरी के जब अपने पास कफन को एक कौड़ी भी नहीं। पारा तुम्हारी इस अचानक मुसीबत पर हमें बहुत अफसोस है। शहजादी साहब अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो उसके कफन दफन के लिए भी कुछ नहीं है। वजीर सल्तनत, शाही खजाने से हसन को 500 दीनार दिए जाए उसके पारा के कफन दफन के लिए। हमें बहुत अफसोस है पारा, ये लो और उसके कफन दफन का इंतजाम करो। खुदा आपको सलामत रखे शहजादी साहबा। अब मुझसे हसन के बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जाएगी, मैं जान दे दूंगी। पारा हमारे दिल की भी यही हालत है, अजनबी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। आलमपना, इरशाद आली के मुताबिक जश्न का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन शहर में चहमगोइयां हो रही हैं। आलमपना, खुदा के वास्ते अपने इस मजाक को खत्म फरमाइए। आलमपना, शहजादी साहिबा की हालत बहुत नाजुक हो गई है, खुदा ना खास्ता उनके दुश्मनों को कुछ हो गया तो। आप लोग अपने अपने काम कीजिए, जब हम आपके मामलात में दखल नहीं देते तो आप हमारे मामलात में क्यों बोलते हैं? आप जश्न की तैयारी कीजिए, हम सब ठीक कर लेंगे। आप लोग जा सकते हैं। जी। कुछ भी
हटाना होगा, ये अंधेरा मेरी दुनिया का मिटाना होगा। प्यास कुछ और भी भड़का दे, झलक दिखला के तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। शहजादी, तुमने बड़ी राह दिखाई अजनबी। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, अब जुदाई की घड़ियां बीत गईं। कल सुबह, कल मेरी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। तुम यहां से चले जाओ, वो दरिंदा तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कौन, शहनशाह? हाँ। अरे उसकी क्या मजाल है शहजादी। नहीं नहीं, वो शहनशाह है, उसकी ताकत बहुत बड़ी है। उसकी ताकत कुछ भी नहीं, मोहब्बत के मैदान में वो एक फकीर है और हम शहनशाह। कोई आ रहा है, अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। अरे मेरी बात तो सुन। आओ तो मेरी बात तो सुन। कौन था सवारी साहिबा? कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। तू जा यहाँ से। कोई तो जरूर था, हमने खुदा बात सुनी है। जी कोई भी तो नहीं जा रहा। कौन है अंदर? कोई नहीं जा रहा। झूठ बोलती हो तुम। तुमने उसका अंदर छुपा रखा, मजा चखा देते। हट जाओ। रहम कीजिए जहां पर। हट जाओ। रहम कीजिए। हाँ हट जाओ। अरे हट जाओ। दरवाजा खोलिए, जहां बना दरवाजा खोलिए। क्या रहम कर। ये बैठा हुआ आप कुछ अजनबी। आप घबराइए मत शहजादी साहबा, मैं भी इस मर्दूत को मजा चखाता हूँ। या खुदा। तो तुम लोग खबराओ, मैं उसे पता चाहता हूँ। फेंक तो जाओ, मैं तेरी बोटी अपने शिकारी कुत्तों को न खिलाऊ तो मेरा दिन ना ना नाम नहीं है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ले मैं कुत्ते की मार। अजनबी हमारी किस्मत में जुदाई लिखी थी शहजादी, तुम मुझे भूल जाना। खुदा हाफिज। अजनबी, अजनबी। आंखों से देखा क्या दख रही है? चलो। यही वो नाबा खून है जो अजनबी ने तुम्हारी मांग में भरा था। अब हमारी राह का कांटा निकल गया। आओ, आओ मेरे सीने से लग जाओ। आओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। जालिम, अब तू मुझे जिंदा न पा सकेगा। शहजादी, शहजादी, शहजादी। बाहर ले रखो, ये क्या बात नहीं है? ये बाहर ले जाओ, जिंदा ना। क्या मुसीबत है? जरूर आना, क्या बात है? शहजादी, जिंदा क्या हुआ? गुरगद हो गया शहजादी, पुराने कुर्सी तब नहीं चलती। या खुदा, ये
खुदा या खुदा या खुदा। बेचारा हसन जिंदा होता तो कितना खुश होता। हसन? हसन तो जिंदा है शहजादी, मगर बेचारा मुर्दों से ही बदतर। कारा की मौत ने गरीब को पागल बना दिया है। गुस्ताखी माफ शहंशाह, बदनसीब पारा तो जिंदा है, वो मेरे पास आई थी। मगर हसन भी तो मेरे पास आया था, बुरी तरह रो रहा था बेचारा। ये कैसे हो सकता है? गुलबहार जाओ और जाकर देखो बेचारी पारा का क्या हाल है। जी मलके आलम, अभी हकीकत मालूम हो जाएगी। मंसूर तुम भी जाकर देखो हसन ने कहीं पारा के गम में खुदकुशी तो नहीं कर ली। जी आलमपना। पारा देखी तुमने मेरे दिमाग की करामात, कैसी तरकीब बताई। तरकीब तो बताई, अगर शहंशाह को पता लग गया तो? अरे उस वक्त की उस वक्त देखी जाएगी। ये तो गुलबहार की आवाज है, शहजादी साहब ने भेजा होगा। अच्छा सुनो, मैं मरा जाता हूँ, जल्दी जाओ, उड़ान दिया जल्दी जाओ। दरवाजा खोलो। अब क्या होगा? ए अबुल हसन भाई, अबुल तुमने से अपनी नन्नी मुन्नी सी बहन का तो इंतजार किया होता। अल्लाह मैं क्या करूं? क्या करूं, जाने वाला था चला गया बहन, अब क्या होता है? रोने धोने से मत रो, सबर करो सबर। अच्छा मैं जाती हूँ, हाँ शहजादी साहिबा मेरा अच्छा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा तुम जाओ। गई मुसीबत, गई बाल बाल बचे, अगर पकड़े जाते ना तो मुसीबत हो जाती है। भाई अब्दुल हसन, ये मर गए। अरे तुम तो मंजूर हो रहा, मंजूर है ये तो बेटा, ये तो अरे घुटना तो नीचे रखो। अरे अब्दुल हसन, अरे घुटना नीचे, अरे मंजूर पारा चल बजे। मंजूर रात खाना खाया, शाह को तू आए थे और कुछ चल बसी। अच्छी अच्छी साहब, भाई सबर करो, खुदा औरत की मौत और कोने की चोट से बचा रहा है। सबर करो भाई, शहंशाह मेरा इंतजार कर रहे हैं भैया, वरना मैं जरूर यहाँ रुकता हूँ। कम वक्त गुलबहार कह रहे थे, कह रहे थे कि तुम मर गए। अरे मेरा मरने में भी क्या बाकी है, मरा ही समझो। ये सच्चे मलके आलम अब्दुल हसन भाई साहब इंतजार फरमा गए, और बेचारी पारा का रो रो का बुरा हाल हो गया। देखा जहाँ बना आधा बरस, मगर मैंने तो जहाँ बना ये झूठ बोल रही है। मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ, पारा का इंतकाल हो गया और हसन बेचारा रो रो के जान दिए दे रहा है। और मैं तेरी आंखों से देखकर आई हूँ? तेरी आंखों में तो चर्बी चढ़ गई है, चर्बी। देखिए मलकी आलम, मेरी आंखों की तोहिन कर रहा है, इन आंखों पर तो शायरों ने शेर लिखे। शेर शेर, हाँ
शेर लिखे हैं शेर। जहां बना इस गुस्ताख की गर्दन उड़ा देनी चाहिए गर्दन। कम्बक तू मेरी गर्दन उड़वाएगा? ठहर जा। क्यों बे मरिया टिड्डे? चुप मुटल्लो। देखिए मलके आलम, ये कम्बक मुझे मुटल्लो कहता है, क्या मैं मोटी नजर आती हूँ? नहीं, तुम तो सूखा कांटा हो कांटा। खामोश। ये क्या किस्सा है? ये दोनों तो पागल मालूम होते हैं। चलिए शहजादी, हम खुद अपनी आंखों से चल के देखेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। जो हो। गजब हो गया, आलम पनाह तशरीफ ला रहे हैं और साथ में मलके आलम भी। अब क्या होगा? अब तो भांडा फूट जाएगा, और तरकीबें बताओ। अब इसके अलावा कोई चारा नहीं कि जहर खा के हम दोनों के दोनों मर जाएं। जो नहीं पारा, मौत तो एक न एक दिन आई जाती है। मलके आलिया, मुलायजा फरमाइए अब्दुल हसन का जनाजा। ये कैसे हो सकता है हजूर? ये देखिए पारा का जनाजा शहंशाह है। ये तो दोनों मर चुके हैं। हसन के गम में बेचारी पारा भी अल्लाह को प्यारी हो गई। नहीं मलका, पहले पारा जन्नत को सिधारी होगी और उसके गम में बेचारे अबुल हसन ने खुदकुशी कर ली होगी। नहीं आलीजा, मर्द की जात इतनी बावफा नहीं होती। पहले हसन मरा है। ये आपका हुस्न जन है मलका, अबुल हसन ने पारा के गम में जान दी है। तो साबित कीजिए शहंशाह। यही तो मुश्किल है। वल्ला अगर कोई शख्स ये साबित कर दे कि इन दोनों में से पहले कौन मरा है, तो हम उसको 500 अशरफिया इनाम देंगे। हमारे साथ मजाक करने की जरूरत में क्यों कर हुई? जल्लाद उड़ा दो गर्दन उनकी। जहां पना, आप दुनिया भर से मजाक फरमाते हैं, अगर आपसे कोई मजाक करे तो शाही जलाल जोश में आ जाता है। शहंशाह इन्हें माफ कर दीजिए। आलीजा, अजनबी शायर इन्हें माफ कर दो। अल्लाह आप दोनों को सलामत रखे। आमीन। हमारा इनाम शहंशाह। क्या मतलब? आपने वादा जो किया था शहंशाह। वजीर आला, इन दोनों को खजाने से 500 अशरफियां अता की जाए। मगर हम अब भी यही कहेंगे कि अगर पारा मर जाती तो हसन जरूर जान दे देता। नहीं आलीजा, हसन मर जाता तो पारा भी कभी जिंदा ना रहती। तुम बहुत जिद्दी हो मलिका।